तो दोस्तों ये आप सामने देख रहे हो, ये लाइन लगी हुई काफ़ी लंबी लाइन है। रजिस्ट्रेशन जो होते हैं उनकी आपकी चेकिंग होती है यहाँ पे आके, यहाँ पे पर्ची कटती है आपकी, यहाँ पे आपको टोकन मिल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन जो करते हो आप उसी की आपको यहाँ पर टोकन मिलेगा, और उसके बाद आपकी दर्शन। तो देख सकते हो कितनी भीड़ है भक्तों की मंदिर के पास, आपको दिखा रहा हूँ मैं भाई, हज़ार से ज़्यादा भक्तजन है दर्शन कराए बाबा मंदिर केदारनाथ के। ये देख सकते हो आप, हर हर महादेव लिखते रहे। हर हर महादेव सभी दोस्तों को। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ बाबा केदार के दर्शन कराने के लिए आपको, और पूरी जानकारी दूंगा वीडियो में, लास्ट तक बने रहे, दिखाता हूँ कैसे कैसे आप दर्शन करें, और आप जो रजिस्ट्रेशन करते हैं ऑनलाइन उसके बारे में जानकारी दूंगा आपको, ले चलता हूँ आपको। तो दोस्तों ये आप सामने देख रहे हो, ये लाइन लगी हुई काफ़ी लंबी लाइन है। रजिस्ट्रेशन जो होते हैं उनकी आपकी चेकिंग होती है यहाँ पे आके, यहाँ पे पर्ची कटती है आपकी, यहाँ पे आपको टोकन मिल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन जो करते हो आप उसी की आपको यहाँ पर टोकन मिलेगा, और उसके बाद आपकी दर्शन के लिए टाइमिंग होगी, टोकन होगी उसी के बाद आपके दर्शन होंगे, और यहाँ से आप टोकन मिलने के बाद फिर अंदर आगे की ओर जाओगे आप मंदिर में दर्शन करने के लिए। टोकन पर जो भी आपका टाइमिंग होता है तो उसी टाइम आपके दर्शन कराए जाएंगे, और यहीं से आप प्रसाद ले सकते हो बाबा के दर्शन करने के लिए, यानी कि प्रसाद भी की जो स्टोर है, जो दुकानें यहीं पे लगी है बिल्कुल टोकन स्टोर के पास ही। और ये जो मार्ग दिखा रहा हूँ आपको मैं मंदिर के ओर का दिखा रहा हूँ, अंदर जाने वाला मार्ग है, आप देख सकते हो वो इधर देख सकते हो आप कितना रस है यहाँ पे, आप प्रसाद ले सकते हो बाबा के दर्शन करने से पहले, यहीं आपको प्रसाद मिल जाएगा। प्रसाद की यहाँ पे स्टोर है काफ़ी सारी, और दुकानें भी ये देखिए, और ये भक्तजन दर्शन करने जा रहे हैं बाबा के। और ठंड तो काफ़ी ठंड देख सकते हो यहाँ पे, आग जला के आराम मिल रहा है। तो भाई देख सकते हो कितनी ठंड है यहाँ पे, यात्री जो हैं आग जला जला के अपने हाथ सेक रहे हैं, और ठंड की बात करिए काफ़ी ठंड हो रही है यहाँ पे, ये देखिए टेम्परेचर जो है 5 है इधर का भी देख सकते हो। और केदारनाथ में आपको ATM की सुविधा मिल जाएगी, देख सकते हो आप, SBI का ATM भी है, 2 ATM यहाँ पे बने हुए हैं, और दवाई स्टोर यहाँ पे दवाई ले सकते हो आप, वो प्रसाद की स्टोर तो आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी यहाँ पे। ये देख सकते हो सीधा मार्ग मंदिर की ओर जा रहा है दर्शन करने के लिए, सभी यात्रियों के लिए, कुछ यात्री दर्शन करके आ रहे हैं मंदिर के, कुछ जा रहे हैं आपको दिखा रहे हैं। और ठंड तो भाई पकड़ी ठंड है यहाँ पे, देख सकते हो आप ठंड देख सकते हो कितनी ठंड हो रही है। और भाई देख सकते हो मंदिर की लाइन कितनी लंबी लाइन लग रही है, कम से कम समथिंग लाइन जो होगी हो 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी मंदिर की। देख सामने ब्रिज है, ये यहीं से मैं मंदिर की लाइन एंट्री से स्टार्ट हो जाती है, आप देख सकते हो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है दर्शन करने के लिए भक्तों की, बाबा केदारनाथ के आपको दिखा रहा हूँ ये अपडेट में। और जैसे कि आप देख सकते हो बाबा के दर्शन करने के लिए भक्तों की लाइन देख सकते हो 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। अगर आपको दर्शन कर रहे हैं जल्दी, ज़्यादा भीड़ नहीं मिले तो आपको सुबह ही लगना पड़ेगा 3 या 4 बजे लाइन में, जब आपका नंबर जल्दी आएगा, नहीं तो आपको काफ़ी 5-6 घंटे लग जाएंगे दर्शन करने के लिए। और सामने आपको देख सकते हो ग्लेशियर दिखा रहा हूँ आपको, ये मंदिर के पीछे ग्लेशियर है, सामने बाबा का मंदिर देख सकते हो आप, दिखाई दे रहा है यहाँ से, जय बाबा केदारनाथ लिखते रहे कमेंट बॉक्स में। ये देखिए ग्लेशियर पीछे पीछे सब ग्लेशियर है, बाबा भैरव का मंदिर भी दिखाते हैं आपको, देख सकते हो आप बाबा भैरव का मंदिर ये है पास में। और आप देख सकते हो काफ़ी तेजी से कार्य चल रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा, यहाँ पे काफ़ी सारी मशीनें आ गई, JCB और क्रेन यहाँ पे लाई गई हैं, देख सकते हो आप सोच रहे हो मशीनें कैसे आई गई, चिनुक के द्वारा मशीनें लाई जाती हैं केदारनाथ में, जो भी सामान आता है बड़ा सामान जो आता है चिनुक के द्वारा, सभी सामान जो आ रहा है यहाँ पे केदारनाथ में चिनुक द्वारा आ रहा है, इंडियन आर्मी का चिनुक जो है। और ये कैंप देख सकते हो वहाँ पे कैंप लगे हुए हैं, रात को रुकने के लिए व्यवस्था होती है आपके। तो गाइस देख सकते हो आप कितनी लंबी लाइन लगी महादेव के मंदिर के दर्शन करने के लिए, केदार घाटी का जो मंदिर है आपको दिखा रहा हूँ मैं, बाबा केदार का मंदिर, लगभग 1 से 2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है। अभी मंदिर बहुत दूर है यहाँ से, बहुत घुमा फिरा से प्राकेट लाइन लगी हुई है। और देख सकते हो सामने भैरव बाबा का मंदिर के जाने के लिए वहाँ से मार गया है, फिलहाल दिखा रहा हूँ बाबा केदार के दर्शन करने के लिए लाइन, देख सकते हो आप कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे मंदिर दर्शन करने के लिए। अगर आपको दर्शन करना है तो 2 या 4 बजे आपको लाइन में लगना पड़ेगा मॉर्निंग में, उसके बाद आपके दर्शन जल्दी हो पाएंगे, अन्यथा आपको काफ़ी घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, 10 घंटे भी लग सकते हैं दर्शन करने के लिए, 5 घंटे भी लग सकते हैं, कुछ पता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ये देख सकते हो भाई कितनी भीड़ है यहाँ पे बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। तो गाइस देख सकते हो सामने जो मंदिर देख रहे हो रितेश कुंड है, जहाँ पे आप हर हर महादेव के नाम लेते हो वहाँ पे बुलबुले निकलते हैं ऑटोमेटिक खुद ही, आप देख रहे हो रितेश कुंड।
और ये सामने रितेश कुंड मंदिर आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है दर्शन करने के लिए बाबा केदार के मंदिर के। आप अंदाजा लगा सकते हो रितेश कुंड मंदिर कितनी दूर है मंदिर से और कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, और घुमा फिरा के लेके जा रहे हैं लाइन को उधर से, ये लेके जाएंगे काफी लंबी लाइन हो जाएगी। ये जो कार्य चल रहा है घोड़े होते हैं सामान लेके आ रहे हैं, देखिए कुछ लोहे का सामान लेके जा रहे हैं घोड़े। सारा कार्य जो होता है घोड़े द्वारा होता है, यहाँ पे सामान लाते कुछ साधन नहीं है यहाँ पे लाने का, नहीं घोड़े द्वारा खच्चर द्वारा सामान लेके जाते हैं। तो गाइस देख सकते हो जो ग्लेशियर से निकल कर रही बंदा खने दी, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे सामने ग्लेशियर से निकल कर रही है बाबा केदार का मंदिर, उधर पास ही बिल्डिंगों के पीछे बाबा केदार का मंदिर है, और ये आपको दिखा रहा हूँ मंदाकिनी नदी का व्यू। और लाइन देख सकते हो आप मंदाकिनी नदी का जो पुल है उसके ऊपर तक लाइन लगी हुई है, ये दर्शन करने के लिए बाबा के प्रसाद के लिए। भक्तजन थक चुके हैं सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, बात करते हैं उनसे कब से लगे हुए लाइन में। जैसे कि आप देख सकते हो भक्तजन दर्शन करने के लिए आए हैं बाबा केदार के मंदिर के, 6 बजे से कोई 4 बजे से कोई 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है ये 1 से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की लंबी लाइन है, आप देख सकते हो घुमा फिरा के लाइन लगाई गई है। तो गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं हम ओम के पास, पहला अब आपको ओम दिखाते हैं हम, ये देखिए जो ओम मंदिर के पास ही रखा हुआ है, और देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी यात्री जो है फोटो शूट करा रहे हैं ओम के पास खड़े होके। ये ओम बना हुआ है यहाँ पे काफ़ी, इनके मंदिर के जस्ट के सामने बनाया है ओम, फोकस देखिए इधर उधर पास में मंदिर है, आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो हम आपको ओम दिखा रहे हैं बाबा केदार की घाटी में जो ओम रखा गया है पिछले साल, वो दिखा रहा हूँ आपको, काफ़ी बड़ा ओम है ये। तो ओम के दर्शन करने के बाद चलते हैं बाबा केदार के मंदिर के दर्शन करने के ऊपर आपको दिखाएंगे। ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं यहाँ पे टूट गई है, यहाँ पे कार्य चल रहा है काफ़ी फास्ट ट्रेन के, देख सकते हो यहाँ पे क्रेन खड़ी है, ये क्रेन जो है चुनक द्वारा लाई गई है, और JCB देख रहे हो आप, सामने का मार्ग पूरा टूट चुका है, ये बन रहा है, यानी कि फिलहाल इस साल तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अगले साल तक कंप्लीट हो पाएगा वाला मार्ग आप देख पा रहे हो। आपने सुना होगा कि हड़ताल चल रही थी बाबा केदार के मंदिर के दर्शन की ओपनिंग से पहले ही, यहाँ पे जो दुकान लगा स्टोर लगाते हैं अपने, जो हड़ताल हुई थी इस वजह से हुई थी, यहाँ पे कार्य चल रहा है, यहाँ पे दुकानें थी उनकी, और यात्री दर्शन करके आ रहे हैं अपने, इतने भक्तजन है बाबा केदार के मंदिर के, आप देख रहे हो सामने कितना क्राउड है, और काफ़ी ज़्यादा रस है यहाँ पे मंदिर देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, सभी भक्तजन दर्शन करके आ रहे हैं बाबा के मंदिर के, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और आपको दर्शन करना तो सुबह लगना पड़ेगा आपको लाइन में, जब दर्शन आपकी जल्दी हो जाएंगे। VIP लाइन भी होती है जो 5 बंदे के 5000 रुपये लगते हैं, और मंदिर के पास ही आपको प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी, देख सकते हो आप यहाँ पे पास में स्टोर है, दुकानें हैं मंदिर के पास ही, काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पे लगी हुई, और सामने बाबा केदार का मंदिर ये देखिए आप सामने, ले चलते हैं मंदिर के पास ही आपको दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव लिखते रहे कमेंट बॉक्स में, ये बाबा केदारनाथ, आपको ऐसी ही अपडेट मिलती रही बाबा केदारनाथ के बारे में, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और देख सकते हो यहाँ पर ट्रैक्टर भी है, यहाँ पे कार्य चल रहा है सफाई सफाई का ट्रैक्टर द्वारा। आप जितने भी भक्त देख रहे हो सब दर्शन करके आ रहे हैं बाबा केदार के मंदिर के, आप देख सकते हो काफी ज्यादा भीड़ है मंदिर के दर्शन करने के लिए भक्तों की, यहीं पे शाम में आपको दर्शन करा रहा हूँ बाबा केदार के मंदिर के, आप देख सकते हो हर हर महादेव लिखते रहे कमेंट बॉक्स में, और जय बाबा केदारनाथ। फिलहाल पहुंच चुके हैं बाबा केदार के मंदिर के पास ही, हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर के पास का व्यू बाबा केदार का मंदिर, और यहीं पे आपका मंदिर के पास बाबा में बैठे हुए मिल जाएंगे, आप देख सकते हो कितना टेम्परेचर है, ये हर हर महादेव लिखते रहे जय बाबा केदारनाथ, आप देख सकते हो मंदिर के पास के आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ बाबा के मंदिर के पास ही, ये देखिए बाबा यहाँ पे यार मेरी जगह पे सर किया थे बताया गया यार आगे सर को उधर, और सामने मंदिर दर्शन कर सकते हो आप बाबा केदार के मंदिर। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाबा केदार के मंदिर के पास, आप देख सकते हो दर्शन करा रहा हूँ आपको एकदम पास से बाबा केदार के मंदिर के,
हर हर महादेव लिखते रहे कमेंट बॉक्स में। जय बाबा केदारनाथ। सामने देख सकते हो बाबा केदार का मंदिर, यहीं से आपको दर्शन करा रहा हूँ बाहर से मैं। जय बाबा केदारनाथ। जो पुजारी होता है मंदिर के पास के, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, और नंदी के दर्शन कराता हूँ आपको। देख सकते हो मंदिर के पास के आपको दर्शन हो रहे हैं, और सामने मेन गेट है मंदिर का। जय श्री केदारनाथ। वो देख सकते हो लाइन कितनी लंबी है भक्तों की दर्शन करने के लिए बाबा केदार के। यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, सभी भक्तजन लाइन में लगे हुए हैं कई कई घंटों से। आप देख सकते हो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, 1 से 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइन है ये। जितने भक्तजन हैं सब दर्शन करने आ चुके हैं बाबा के दरबार में। एक देखिए आप कितनी लंबी लाइन लगी हुई है भाई, बहुत लंबी लाइन है, 3-4-5 घंटे में लंबा रहता है बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। ये जो आप मेरे पीछे लंबी लाइन देख रहे हो बाबा केदार के मंदिर के दर्शन करने के लिए है लाइन, प्रसादी चढ़ाने के लिए। सभी भक्तजन दर्शन करने आए बाबा केदारनाथ के मंदिर के, और आप लाइन देख सकते हो कितनी लंबी लाइन है फिलहाल यहाँ पे, और आपको दर्शन कराते हैं बाबा केदार के मंदिर के। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। शुभम भाई बाबा जी का आशीर्वाद लेते हुए देख सकते हो आप गाइस। हर हर महादेव लिखते रहे कमेंट बॉक्स में, आप देख रहे हो बाबा केदार के आपको दर्शन करा रहे हैं। तो आप देख सकते हो मंदिर के पास कितनी भीड़ है यहाँ पे, सभी भक्तों के दर्शन करने के बाद फोटो शूट करा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तिलक करवा सकते हो आप आके मंदिर के पास ही, बाबा तिलक करते हैं। वो सामने मंदिर के लिए लाइन है प्रसाद की चढ़ाने के लिए, और ये मंदिर का मेन चौतरा है जो देख सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है मंदिर की लाइन में। आप काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है बाबा केदारनाथ के मंदिर में, आपको दिखा रहा हूँ मैं। हर हर महादेव लिखते रहे कमेंट बॉक्स में, बाबा केदार के आपको दर्शन करा रहा हूँ पास से ही, आप देख सकते हो। और भाई देख कितनी ठंड हो रही है यहाँ पे भाई, सब देख सकते हो, मगर बाबा जो हैं कोई कंबल भी नहीं ओढ़ रखा, कैसे बैठे हैं। ये देखिए आप थोड़ी सी आग जला रखी है, और उसी के आगे बैठे हैं बाबा। जय बाबा केदारनाथ लिखते रहे कमेंट बॉक्स में। देख सकते हो कितनी भीड़ है भक्तों की मंदिर के पास, आपको दिखा रहा हूँ मैं भाई। 1000 से ज़्यादा भक्तजन है दर्शन करने आए बाबा मंदिर केदारनाथ के, ये देख सकते हो आप। हर हर महादेव लिखते रहे। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं भीमशिला के पास, देख सकते हो जो 2013 में आपदा आई थी, जो भगवान शंकर का मंदिर बचाया था वो भीमशिला ने बचाया था। तो दिखाते हैं आपको भीमशिला, ये भीमशिला वही जो बिल्कुल मंदिर के पीछे है एकदम जस्ट, देख सकते हो आप सामने मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, और ये भीमशिला दिखाते हैं आपको। ये देखिए भीमशिला है, ये 2013 में जो आपदा आई थी पेड़े जल पेड़े आई थी, उसी को जो भीमशिला ने मंदिर को रोका था, ये भाई भीमशिला है। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी चट्टान सी भीमशिला है जो मंदिर जिसने मंदिर को रोका था। और सामने देख सकते हो मंदिर, बाबा केदार का मंदिर दिखा रहा हूँ आपको सामने, देख सकते इधर ये भीमशिला देख सकते हो आप। भीमशिला एकदम बिल्कुल मंदिर के पास में यानी कि आकर रुक गई थी मंदिर के बीचों बीच, पीछे की ओर सामने मंदिर बाबा केदारनाथ का, उधर सामने प्रसाद के लिए लाइन लग रही है। सामने प्रसाद की लाइन देख सकते हो आप, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है बाबा केदारनाथ के मंदिर पर, और सामने आपको रुकने के लिए होटल मिल जाएंगे। ये सामने जो होटल हैं यहाँ पर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आ सकते हो आप। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है भक्तों की, और यहाँ पे कुछ बाबा लोग बैठे हैं नीचे, आपको दिखा रहे हैं देख सकते हो। और सामने देख सकते हो ग्लेशियर, यानी सामने ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं ये, तो 2013 में जो आपदा आई थी इधर पीछे से आई थी ग्लेशियर से, सामने ग्लेशियर है ये बाबा केदारनाथ के मंदिर के पास। आप ग्लेशियर दिखा रहा हूँ आपको, और एक चीज़ और मैं सीधा चाहता हूँ आप लोगों, अगर आप दर्शन करने आ रहे हो बाबा केदारनाथ के, अपने साथ में कुछ कपूर उपूर लेकर जरूर आना है, तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है यहाँ पे। पीछे ग्लेशियर देख सकते हो आप, ग्लेशियर दिखा रहे हैं आपको हम, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे देख सकते हो। भीमशिला पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, काफ़ी भक्तजन आए हुए हैं दर्शन कर रहे हैं बाबा केदारनाथ के मंदिर के, और आप पीछे का दिखा रहा हूँ मंदिर का व्यू देख सकते हो। यहाँ पे भीमशिला है यहाँ पे, 2013 की आपदा आई थी, और पीछे की ओर दिखाते हैं और आपको देख सकते हो यहाँ पे, और यहीं पे कार्य चल रहा है देख सकते हो, जेसीबी लगी हुई है ऊपर, यहाँ पे कार्य चल रहा है।
बाबा केदारनाथ के मंदिर के पीछे की ओर आपको दिखा रहा हूँ मैं। और पीछे हमारे देख सकते हो आप ग्लेशियर हैं जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं आपको, वाइट वाइट यानी कि ग्लेशियर हैं। यहीं से पानी आया था 2013 में निकल के, यानी कि जो ग्लेशियर पिघल गए थे, जो आपदा आई थी, काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई थी, जल सैलाब जो आया था